चलो नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और कोशिश करो सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। देखो अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम। अब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, ड्यूट्रियम एटम है, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम है, डबल आयनाइज्ड हीलियम है, तो ये कुछ एटम और आयन दिए हुए हैं। तो इस एटम और आयन के लिए एन इज इक्वल टू अगर वन देखूँ तो जो रेडियस मिनिमम निकालना है। हम सबको पता है कि जो रेडियस होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक नंबर जेड पे डिपेंड करता है। तो हर एक की रेडियस, हर एक एटम की रेडियस यूनिक होती है, अलग अलग स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्योंकि जो रेडियस है, रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट और ये आता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। इस फार्मूले को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यार। तो रेडियस आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन एन, यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू और ये आ जाएगा जेड एंगस्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, इसको आप लोग याद कर लो एंगस्ट्रॉन में इतना। अब अगर देखोगे तो रेडियस मिनिमम तब होती है जब प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, ये वाली चीज़ मिनिमम होगी। अब ये वाली चीज़ मिनिमम इसमें कह रहा है कि n इज इक्वल टू वन से कंपेयर करो, तो वन इज इक्वल टू वन की वैल्यू रखोगे तो वन अपन जेड, मतलब जेड जिसका मिनिमम होगा। क्या बोल रहा हूँ भाई, कितना बड़ा गलती हो गया, ये तो बोर नील बोर की आत्मा स्वर्ग से आ जाएगी, इतनी बड़ी गलती नहीं करना। जेड मिनिमम होगा जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये जेड मैक्सिमम होगा। अब इसमें से जेड मैक्सिमम किसके लिए है, तो जेड मैक्सिमम है देख लो लिथियम के लिए, तो हीलियम के लिए तो है नहीं भाई, ये एटम है और ये उसी का आइसोटोप्स है। तो डी ऑप्शन सही है कि जेड इज इक्वल टू 3 के लिए रेडियस आर मिनिमम होगा एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो पॉज करो।